देखिए कैसे डंडा से मार रहे हैं, उतना मोटा मोटा डंडा से अगर कोई मारेगा ड्राइवर को तो बचेगा, वो तो ऐसे ही मर जाएगा। वो देखिए कैसे घींच घींच के मारा जा रहा है, देखिए ड्राइवर मरता है कौन मरता है। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, होती है और 5 लाख जुर्माना, तो आप लोग किसी को बचाने के चक्कर में मर जाते हैं तो उसमें सरकार क्यों नहीं देती है, उसका कोई कानून नहीं है। वही बात हम लोग बोले, अभी अमित शाह जो लगा है, अभी जो कानून लागू किया है, तो हमारी सरकार जब भी इलेक्शन आने को रहता है तो कानून बनता है, तो क्या इसके पीछे कुछ राज है क्या? राज ही है, सरकार मालिक लोग है, ड्राइवर लोग है, हमारे पंजाब के सरदार जी है, कहीं 65 लाख की है, जो बड़े लोग हैं उनको GST मिल रही है, गरीब मर रहा है, इनको शर्म है नहीं, ये बड़े लोग। आखिर कब तक सताएगी सरकार ड्राइवर को और कब तक ड्राइवर मरते रहेंगे? आज मुद्दा है सिर्फ ड्राइवर के ऊपर, जो 17 तारीख आज है और 17 तारीख को भी पूरा, मैं अभी उड़ीसा के राहुल किला में हूँ और राहुल किला आज भी बंद है, गाड़ी छोड़कर घर चले गए हैं, कितने लोग के घर में शादी है, सरकार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, मैं एक ड्राइवर का कहानी बताऊंगा, जो यहाँ पे ड्राइवर भी है उससे भी बात कराने का प्रयास करूंगा और बताऊंगा उसका मजबूरी क्या है। देख सकते हैं, पहले देखिए कि इधर सारी गाड़ियाँ खड़ी है, सब गाड़ी खड़ी है, सब गाड़ी लोड खड़ी है, और आज नहीं खड़ी हुई है गाड़ी, ये 3 दिन से खड़ी हुई है गाड़ी। आखिर ड्राइवर का मजबूरी सरकार क्यों नहीं समझ रहा है? जो ड्राइवर रातों दिन भूखे प्यासे जंगल में भूखे रह करके, किसी का गाली सुन करके, किसी का मार सह करके रातों दिन मेहनत करते हैं, उनके पर ही सरकार क्यों कानून लगा रही है? ये सवाल मेरा नहीं है, ड्राइवर लोग का सवाल है, जो आपको दिखाऊंगा कितने ड्राइवर हैं जो विरोध में अपना गाड़ी या 10 दिन से खड़ा किए हैं, जो डेली कमाने खाने वाले ड्राइवर लोग हैं वही आज की गाड़ी खड़ा की है। आखिर उनका परिवार कैसे चलेगा, जब वो लोग कमाएंगे नहीं तो फिर परिवार कैसे चलाएंगे? लेकिन सरकार को ये बात सूझ नहीं रही है, तो मेरे साथ बहुत सारे ड्राइवर लोग हैं जो इनसे बात कराऊंगा आपको और दिखाऊंगा भी कि जो ही परेशान है। अभी हम एक पार्किंग में हैं और पार्किंग में सारी गाड़ियां लोड गाड़ी खड़ी हुई है, हालांकि इससे मालिक का भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मालिक का गाड़ी का हर महीने का किस्ती 60,000-80,000 हर महीने का किस्ती आ रहा है, वो कहाँ से देगा मालिक? अगर उसका गाड़ी 15-20 दिन खड़ी हो जाती है तो उस हिसाब से उसका 40,000-50,000 किस्ती आएगा महीने का, फाइनेंस वाला परेशान करेगा तो ड्राइवर कहाँ, मालिक कहाँ से भरेंगे? तो इसमें कहीं ना कहीं मालिक लोग का भी ज़्यादा नुकसान है और खास करके ड्राइवर लोग का, तो घर परिवार चलता है जब वो लोग करते हैं। तो तो यहाँ पर काफ़ी ड्राइवर लोग हैं, देख सकते हैं सब गाड़ी यहाँ पे, कितनी नई नई गाड़ियाँ बताइए, ये कम से कम साल भर हुआ है गाड़ी को निकले हुए, उसका हर महीने का 40,000 किस्ती आ रहा है, वो कहाँ से भरता है? ड्राइवर को अगर गाड़ी खड़ा करना है तो सब लोग गाड़ी खड़ा कीजिए, या चलाना है तो सब लोग चलाइए। आजकल सबको पैसे का ज़रूरत है, सब ड्राइवर को पैसे का, अगर एक ड्राइवर गाड़ी खड़ा कर रहा है मैं देख रहा हूँ तो, और दूसरा ड्राइवर वहीं पर गाड़ी चला रहा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग विरोध करो, लेकिन अगर सरकार से मांग करना है तो बिल्कुल एकता बना करके विरोध करो ताकि सरकार उस पर कुछ कदम उठाए। तो आज का यही वीडियो है, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।